लेकिन गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में डुबकी लगाने की मान्यता ऐसी है कि सर्द मौसम की परवाह किए बगैर हजारों श्रद्धालु सुबह सुबह डुबकी लगाने पहुंच गए। क्या बड़े क्या बच्चे, सर्दी की परवाह ना करते हुए सबने आस्था की डुबकी लगाई और फिर गंगा स्नान के बाद सूर्य देव की पूजा की। बहुत बड़ी पुण्य होती है स्नान करने से, बहुत बड़ा फल होता है इसका स्नान करने से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत तरीके से गोरखपुर के गोरखनाथ की पूजा कर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति का पावन पर्व है, मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मकर संक्रांति का यह पर्व जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति का त्योहार पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत चेन्नई में थे। उन्होंने एक संघ कार्यकर्ता के घर में ये त्योहार मनाया। नई फसल नवान्न घर में आता है, समृद्धि का प्रतीक है, तो लक्ष्मी की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है क्योंकि सूर्य ऊर्जा बढ़ाता है, दिन बड़ा होने लगता है, सूर्य की तपस्या है। देश के तमाम धार्मिक शहरों में सुबह से ही मकर संक्रांति का परंपरागत उल्लास नजर आया। ये हरिद्वार की हर की पौड़ी की तस्वीर है। कोविड की वजह से पहले की तुलना में भीड़ कम है, लेकिन आस्था में कहीं कोई कमी नहीं। भगवान शिव की नगरी काशी के तमाम गंगा घाट भी श्रद्धालुओं से भरे नजर आए। सुबह से बड़ी तादाद में श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान करते हुए दिखाई दिए। गंगा स्नान के बाद भजन कीर्तन का भी आयोजन संपन्न हुआ। अब यूपी के चित्रकूट का नजारा देखिए। चित्रकूट में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ आया और लोगों ने प्रवाह वाहन मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर भगवान कमलनाथ का दर्शन पूजन किया और तिल खिचड़ी और चावल दान किए। संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर भी देख लीजिए। घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और कोरोना का कोई खास असर यहाँ नहीं दिख रहा। वैसे तो सूर्य के प्रत्येक राशियों में प्रवेश करने पर संक्रांति का पर्व होता है, लेकिन मकर और मेष राशि पर जब सूर्य पहुंचते हैं तो इन संक्रांतियों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति की तीन तस्वीरें दिखाते हैं जो आपको बताएंगी कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसके क्या रंग हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ वाराणसी समेत उत्तर और पूर्वी भारत के तमाम हिस्सों में गंगा स्नान की और दान पुण्य की परंपरा है। वहीं इसका एक रंग पतंगबाजी का भी है जो आप भोपाल में देख सकते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की परंपरा है जहां सांड दौड़ होती है। तमाम एहतियात के बीच मदुरै के लनाडु के मदुरै जिले के अवनियापुरम में जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ। एक पर्व रंग अनेक, यही तो भारत की विविधता है, लेकिन इस विविधता में एकता भी है।